प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। गुजरात दौरे के पहले दिन यानी कि बुधवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना है। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया, जिसका आयोजन 20 से 22 अक्टूबर तक केवड़िया में विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुख राजदूत और उच्चायुक्त हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तापी जिले के ब्यारा में 1,970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें तापी और नर्मदा जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। वो हो रही है जहां